हेलो एवरीवन, मैं अरबी जनरल एसोसिएशन में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नोटिस सामने आ रहा है, जिसमें आपके संशोधित यहां पर कैलेंडर सामने आ रहा है। जो भी आपकी एग्जाम थी जो 2022-2023 के अंदर होने वाली है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। लैब असिस्टेंट के अंदर भी संशोधन हुआ है। इसके अलावा जो है सीईटी को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कैलेंडर में सीईटी एग्जाम को शामिल कर लिया है। तो क्या क्या डेट रहेंगी, कब तक जो आपकी एग्जाम हो सकती है, इसको लेकर मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नोटिस वायरल हो रहा है या जारी हुआ है, जिसके अंदर जो है कल का वो नोटिस है 7 तारीख का, और आज सब तक वो नोटिस पहुंच रहा है, और उसके अंदर संशोधित कैलेंडर काफी सारी एग्जाम का बताया जा रहा है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर अन्वेषक है बेसिक और वरिष्ठ का। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर और भी जो एग्जाम है, लैब असिस्टेंट है, तो लैब असिस्टेंट का भी यहाँ पर संशोधित एग्जाम डेट यहाँ पर सामने आ रही है, जिसके अंदर आप सभी को बताया पहले तो 28-29 तारीख को आपकी एग्जाम होने वाली थी, जिसका डिटेल यहाँ पर टाइम टेबल भी आ गया था कि 2-2 पारियों में आपकी एग्जाम होगी, ठीक है ना। जिसके अंदर अगर हम बात करें लैब असिस्टेंट साइंस वालों की, तो उनका पेपर 28 को होगा, दोनों पेपर एक ही दिन हो जाएंगे। 29 तारीख को होम साइंस और ज्योग्राफी वालों का एक शिफ्ट में होम साइंस का, एक शिफ्ट में ज्योग्राफी वालों का हो जाएगा। तो 28-29 तारीख ही थी, लेकिन अभी जो है 30 तारीख को भी यहां पर एग्जाम होगी आपकी लैब असिस्टेंट की, यानी 30 तारीख को भी ऐड किया गया है। अब 30 तारीख को किसकी एग्जाम होगी ये कुछ नहीं पता है, बस 30 तारीख को भी एग्जाम होगी लैब असिस्टेंट की। तो किन किन की एग्जाम होगी उसको लेकर भी जल्द अपडेट सामने आ जाएगी। साथ ही अब जो हम एक बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है उसकी बात कर लेते हैं, और वो है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सभी को पता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर नोटिस जारी हुआ था कि राजस्थान की नई भर्तियों में अब सीईटी होगा। सीईटी 2 लेवल पर होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर और 12th लेवल पर। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। जो भी एग्जाम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल थी उसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। डेट नहीं आई, लेकिन एक संभावित महीना यहां पर दे दिया है, और महीना है दिसंबर, कि दिसंबर महीने में जो एग्जाम है वो रहेगी। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है वो आपकी होगी दिसंबर 2022 के अंदर। वहीं अगर हम बात करें सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, बात करें 12th सीईटी 12th लेवल में आपके अलग एग्जाम शामिल है और ग्रेजुएशन लेवल में अलग एग्जाम शामिल है, लेकिन पहले आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसको हर विद्यार्थियों के मतलब हर विद्यार्थियों को देना होगा। उसको देने के बाद में अलग से आपके डिपार्टमेंटली पोस्ट निकलेंगी, जिसमें 15 गुना जो सीईटी वाले विद्यार्थी उनको लिया जाएगा, फिर आपकी डिपार्टमेंटली एग्जाम होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, वन डे एग्जाम है एसएससी रेलवे बैंक की, तो आप लोगों के लिए एक शानदार ऑफर है अकेडमी का, और वो है टेस्ट सीरीज के लिए। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, पूछते भी है सर फ्री टेस्ट सीरीज कहां पर मिलेगी और हम कैसे जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो एक शानदार ऑफर लेके आया अनअकैडमी। आप अनअकैडमी के जो है बहुत सारी टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री जो है टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट हैं। तो यहां पर टेस्ट सीरीज का जो नाम है, जो यहां पर एक सीरीज स्टार्ट की है अनअकैडमी के द्वारा, उसका नाम है टेस्टाथन। जी हां, आप टेस्टाथन ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। इसके अलावा रोजाना आप टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट देकर रिवॉर्ड भी आप जीत सकते हैं। जी हां, टेस्ट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप जो है लैपटॉप आईफोन ये सब जो है रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप भी आप जो है फ्री जीत सकते हैं। तो यहां पर काफी सारे ऑफर है अनअकैडमी के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना और जो है यहां पर अनलॉक कोड लगाना GENUIN10 कैपिटल जेन्युइन 10 अगर आप लगाते हैं तो फ्री आपका एक्सेस हो जाएगा टेस्ट सीरीज। काफी बच्चे पूछते हैं सर टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें, तो अनअकैडमी बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया है और ढेरों क्वेश्चन है, लाखों की संख्या में क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और डेली टेस्ट लगा सकते हैं। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट का, उस पर क्लिक करें, अनलॉक कोड लगाएं जेन्युइन 10 और टेस्टाथन ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि LDC भर्ती को भी सीईटी में इंक्लूड किया जाए जो 12वीं लेवल की है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आपका जो पहला पेपर है यानी सीईटी जो है वो फरवरी 2023 में होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे जो अपडेट सामने आ रही है, उपेन यादव के मैंने काफी सारे वीडियो देखे हैं और जो भी अपडेट अभी सामने आ रही है वो यही है कि कोशिश की जा रही है कि जो आपका LDC भर्ती है उसको बाहर निकाला जाए सीईटी से। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, एक ही पेपर आपको देना होगा, नहीं तो फिर आपको 2 फेजों से गुजरना होगा। पहला फेज आपका सीईटी 2 पहली बात, और दूसरा उसके बाद डिपार्टमेंटली आपको एग्जाम देनी होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही इस भर्ती को कंडक्ट कराने वाला है। तो अब एक तरह से मतलब सीईटी तो देनी है, जो नए विद्यार्थी हैं, जो भी फाइनल ईयर में
में है, जिनका कॉलेज कंप्लीट हुआ है या जो पहले से कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं या जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, वो सीईटी की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपको फाइनली इन सीईटी से गुजरना ही पड़ेगा और इसी के बेसिस पे आगे जाके जितनी भी वैकेंसी आती है, जो कैलेंडर में इंक्लूड थी कि ये वैकेंसी 12वीं लेवल पर है, ये वैकेंसी आपके ग्रेजुएशन लेवल पे है, वो आपको जो है तभी शामिल किया जाएगा, उन एग्जाम में आप तभी बैठ सकते हैं जब आप सीईटी देंगे। तो सीईटी को लेकर यही अपडेट सामने आ रही है, जो आपका नोटिस जारी हुआ है उसमें मैंने बता दिया है, और इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगी, सबको लेकर अलग से हम वीडियो बना देंगे। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे लिंक मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड करके देख लेना। धन्यवाद।